जितने पदाधिकारी हैं उन लोगों का जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी रहेगा कि वो लोग मदर तेरेसा की तरह काम करेगा। मजदूरों से लूटने का काम नहीं करेगा, मजदूरों का सेवा करेगा, सरदारों का सेवा करेगा, एंसिलरी का सेवा करेगा, मुंशी का सेवा करेगा, और उनका जितनी भी समस्याएं हैं उसका हल करेगा। अब वो बीआरएमजीएसएस नहीं रह गया जो पहले था, पुरानी विचारधारा के लोग अब नहीं रहे, अब नया युग आ गया है। 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में जब हम जी रहे हैं, तो हर एक भारत के नागरिक का सेवा करने के लिए जो लीडरशिप दिया जाता है उनको सेवा करना चाहिए। आज का युग ज्ञान का युग है, जैसे कि हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था, दिस एरा इज द एरा ऑफ नॉलेज एंड विजडम। उन्होंने कहा नॉलेज और विजडम का युग है, तो जरूरी है कि जिस स्तर का लीडर हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे बीआरएमजीएसएस का लीडर हो, चाहे कोई पार्टी का लीडर हो, चाहे कोई भी लीडर हो या पदाधिकारी हो, उनका दायित्व होता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का सेवा सही ढंग से कर। और समय पर उनका काम जो अभी पेंडिंग है, लिंक का काम, लिंक के लिए रो रहा है सब, जो क्यूआर कार्ड के लिए रो रहा है, कौन समाधान करेगा हमारे देश की समस्याओं का, कौन समाधान करता है? मैं तो मीडिया हूँ, मैं तो नहीं करूंगा, मैं केवल आवाज उठा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि या जहाँ भी गलतियां हो रही है उसको मीडिया के माध्यम से मैं बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, भारत की जनता के सामने रख सकता हूँ, क्योंकि भारत की जनता ही अल्टीमेट न्यायाधीश लोग है, दे आर द जज इन द डेमोक्रेसी। तो ये लोग मदर तेरेसा गांधी जी बन के जाएंगे अपने फील्ड में। ये नहीं कि क्या कहते हैं, कोई डाकू बन के नहीं जाएंगे उनके पास। अगर लोगों के पास जा रहे हैं तो मदर तेरेसा गांधी जी बन के जाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। मजदूर लोग बहुत दर्द में, 1998 से लोग दुखी में है, निराश है, हताश है और परेशान है कि कब हम लोगों का शिफ्टिंग होगा। हाँ वही तो, शिफ्टिंग के बारे में हम लोग को जानना था। तो हम लोग कर लेंगे, जितना पैसा लगे, जो लगे, क्यूआर कार्ड लगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन एक एग्जैक्ट डेट अगर हम लोग डिक्लेरेशन दे देना तो बहुत अच्छा होता है। हाँ इस महीना से शिफ्टिंग होना शुरू होगा, सारा चीज हो गया, हम लोग शिफ्टिंग करेंगे ए गोडाउन में, गोडाउन वाइज अगर ज्वाइन हो जाता ना इस गोडाउन में, तो लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता चीजों में। शिफ्टिंग डेट जरूर मिलेगा, लेकिन पहले जो काम अभी पेंडिंग है बहुत स्लो हो गया ना हम लोग का यूनियन में काम, बहुत स्लो हो गया, बहुत स्लो, क्योंकि पुराना लीडर्स लोग रद्द कर दिया गया, वो लोग रद्द है, वो लोग अभी काम नहीं कर सकता है क्योंकि नया पदाधिकारी लोग अब नियुक्त हो रहा है, और वो लोग जाके बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो लोग मदर तेरेसा जैसे काम करेंगे। मदर तेरेसा आप जानते हैं कि कोलकाता की वो हमारे देश की थी, विदेशी होने के बावजूद भी उसको भारत का भारत रत्न मिला है, बताइए। तो ऐसा ना काम करना चाहिए जब हम गरीबों के बीच में काम करते हैं, तब कि गरीबों को गरीबों से ही बाप रे बाप धन संपत्ति कमा रहे बटोर रहे। मेरा कल सीनियर कॉल किया था, वो तारा बोल के कोई है, तारा ताल, वो पटना में 8 तारीख को जा रहा है, तो बोला क्या भाई आप कॉल नहीं करते बहुत दिन से, क्या कर करूँ मैं तो डायरेक्टली वेटो से भी जानकारी मिल रहा है और एक दो ग्रुपों से भी जानकारी मिल रहा है, आप लोगों का स्टेट वाइज ऐसे होगा, बोले नहीं वैसे नहीं होगा, ये ग्रुप वाइज ऐसे नहीं होगा, सब लोग आएगा रजिस्ट्रेशन करेगा, क्योंकि ये मीडिया पर साथ आएगा ना, पैसे का लेन देन वीडियो वगैरह बन जाएगा, तो ऐसे इसलिए वो 1-to-1 ही होगा, ये सब में ये ग्रुप में नहीं होगा। एक बात मैं पूछता हूँ, जब SCI का परमानेंट हुआ था क्या अलग अलग ग्रुप में हुआ था, क्या एक साथ ना हुआ था? वही तो, इसमें वो बोल रहा था ये मीडिया में आ जाएगा, पैसा का लेन देन है वो सब ओपन हो जाएगा, मीडिया को पता चला या जुडिशियरी को पता चला या CID को पता चला, हाँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो सही बात है, ये पैसे का जो लेन देन अभी हो रहा है ना, ये चांदा के नाम से, ये तो बहुत बड़ा मतलब ये रिस्क भी है, अगर ये मीडिया ओपन हो गया ना चीजों को, सारा चीज वीडियो वगैरह ओपन हो गया ना, तो बहुत मुश्किल भी होगा, मुश्किल हो जाएगा, कहीं बैंड ना कर दे गवर्नमेंट ओपन। वही तो इसीलिए वो लोग बोलते 1-to-1 ही करेंगे, अंडरग्राउंड ही करेंगे ये काम, ऐसे बोल रहे पैसे का जो भी ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हम सेवा करने का एक निर्णय लिए हैं, ऐसे लीडर, ऐसे पदाधिकारी, इवन IAS ऑफिसर लोग भी UPSC एग्जाम देके वो लोग आता है, तो उनका भी ना दायित्व रहता है, DM हो, सब जनता के लिए ना बना है। चाहे कोई मिनिस्टर चुन के जाता है वो किसके लिए बना है, मिनिस्टर किसके लिए बना है, जनता के लिए बना है, उनका सेवा करना उनका दायित्व बनता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। और अभी जो पदाधिकारी बना है, मैं एकदम जोर देकर बोलूंगा, एम्फसाइज करके बोलूंगा, वो लोग जाएगा फील्ड में, कितना लोगों का पदाधिकारी पद मिला है बोल सकते हैं अभी तक, कितना लोगों को दिया गया पदाधिकारी पद? 1000 के लगभग, ठीक है, 1000 पदाधिकारी लोग रहेगा, ये सूचना मुझे मिल गया है, 2 दिन पहले मैंने बात किया था हमारे सर से, ठीक है, और उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं, वीडियो बनाना है मुझे, लेकिन बना नहीं पा रहा हूँ, कल देखता हूँ, आज कल मैं बनाऊंगा, क्योंकि और एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए, शिफ्टिंग कब तक स्टार्ट करवाएंगे, ये जो 1000 लीडर अभी तैयार हुआ है लोग कब तक शिफ्टिंग करवाएंगे, मुझे चाहिए ना, मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि मुझे मैं जवाब देता हूँ मीडिया, अब तक तो कोई जवाब नहीं देता है, फोन तो उठाता नहीं है, लेकिन मैं उठाता हूँ और लोगों से बात करता हूँ, मुझे जवाब देना, मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन इतना सेवा करके मुझे बहुत संतुष्टि मिलता है, तृप्ति मिलता है। अभी आपका ये रांची में या बिहार में? बिहार में हूँ अभी, बिहार, मधेपुरा जी, मधेपुरा, वो क्या बोलते हैं आपका जगह नाम क्या था? मधेपुरा, जहाँ से बीआरएमजीएस का शुरुआत हुआ था, वहाँ पर हूँ मैं, बीआरएमजीएसएस का आंदोलन का शुरुआत मधेपुरा से हुआ था, जहाँ मधेपुरा वगैरह थे, सुरेश जी वगैरह थी, राज्य संगठन मंत्री,
उनका योगदान को मैं कभी नहीं भूल सकता। सिकंदर जी को तो पहचानते हैं, सिकंदर जी, सिकंदर कुमार, सिकंदर कुमार पासवान, उनका निधन हो गया, अभी जिंदा नहीं है। बहुत बड़ी घटना घट गई उनके जीवन में और उनका सिकंदर जी का, सिकंदर कुमार, हाँ सिकंदर पासवान के साथ। अच्छा 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 ओके। और उनका योगदान को हम लोग नहीं भूलें कभी भी। हमारे यूनियन में जितने लोग शहीद हुए हैं या जिंदगी गरीबी में काट के इस यूनियन को सींचा, उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ना 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 कभी नहीं भूलना चाहिए। तो हम लोग क्या अभी 15 तारीख तक थोड़ा वेट कर लेना, क्या खबर आता है उसके बाद ही हम लोग ऊपर है ना, वेट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा वेट करिए। 15 के बाद लिंक है, लिंक कहाँ होगा, हम लोग 15 के बाद अपडेट करने करते हैं। लिंक करेगा, लिंक करेगा ना वो लोग जाके ना। अच्छा 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 ठीक है, चलिए आपसे बात हो गया, दिल हल्का हो गया। 15 अभी 6 तारीख तो हो ही गया, 15 तारीख तक देख लेते हैं। ये लोग अधिकारी हम लोग कॉन्टेक्ट करके जल्द से जल्द लिंक कराए और शिफ्टिंग कराए, और इसके ऊपर थोड़ा वीडियो भी बनाइए जो हम लोग को समझ में आए सारा चीजों को। हाँ मुझे सारा न्यूज मिल गया है, सर से बात हो गई है मेरी, अभी सर दिल्ली में है, उनसे बात होती रहती है मेरी, वही क्योंकि मेरा दायित्व अब देखिए मुझे ये नहीं बनना है, कोई पदाधिकारी वगैरह नहीं बनना है मुझे। मैं स्वतंत्र मीडिया बनना चाहता हूँ, स्वतंत्र रहूंगा और आजादी से ही काम करूंगा, क्योंकि यूनियन आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। तो मीडिया अगर गुलाम बन के रहेगा तो मीडिया को तो फिर क्या क्या यार, क्या मीडिया, कैसा मीडिया। मान लीजिए सारा मीडिया, हमारे जितने भी मीडिया चैनल है सब गुलाम हो जाए तो इसीलिए ना आजकल बात होने लगी कि गोदी मीडिया वर्सेस नन गोदी मीडिया, ऐसा होता है तो थोड़ी डेमोक्रेसी में। अमेरिका, अमेरिका में भी तो मीडिया है, ऑस्ट्रेलिया में भी तो मीडिया है, चीन में भी तो मीडिया है, सब जगह तो मीडिया है, लेकिन वो एक तरफा बात नहीं करता है, दो तरफा बात करता है। जहाँ पर उनको मीडिया का रोल बहुत खतरनाक भी है और बहुत स्वच्छ भी है, स्वच्छ रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए हमारा मीडिया। सही बात है, सही बात, उसका उस पर किसी का दबाव नहीं चलता है। तो 15 के बाद हम लोग लिंक हर जगह पर हो जाएगा, ये लोग अधिकारी जा जाके जिनको भी लिंक। और ये चीज होना चाहिए, जो मिनिमम अमाउंट है ना, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम अमाउंट ही लेना चाहिए, ये लोग अपना मन से अमाउंट मांगेगा तुरंत मुझे खबर करिएगा, ये और प्रूफ के साथ खबर करिएगा। ठीक ठीक, आप लोग एकदम स्टिंग ऑपरेशन करिएगा। अच्छा ठीक है, भारत में ये आदत अगर आप डाल दीजिएगा ना लीडर्स को, या मान लीजिए डीएम साहब को आप रोज घुस दे रहे हैं, मुझे सर टेंडर चाहिए, ये ले लीजिए 1 करोड़ रुपया और मुझे सड़क का टेंडर दे दीजिए, घुस देखिए डीएम साहब को आप फुला रहे हैं ना, गड़बड़ काम कर रहे हैं, देने वाला भी मिस्टेक कर रहा है, लेने वाला भी मिस्टेक। सही बात है, सही बात है, तो वो सबसे बताइए हमारे देश को ना। ठीक है, मैं ये करता हूँ, बाकी मैं देखता हूँ। ठीक है, वैसे कुछ होगा तो मैं वीडियो करके आपको भेजूंगा। ऑपरेशन शुरू कर दीजिए एकदम एकदम। सही बात है, सही बात है। ठीक है सर, दादा, ओके ओके बाय।